हे गाइस, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप सैमसंग ब्रांड को जानते हैं या सैमसंग क्या बनाता है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आप में से काफी सारे लोग सैमसंग को जानते होंगे। साथ ही सैमसंग का नाम सुनने पे जो माइंड में सबसे पहली इमेज फॉर्म होती है वो होती है सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि सैमसंग स्मार्टफोन्स का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, साथ ही उसके अलावा कई सारे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि सैमसंग वॉज फाउंडेड एज ए ग्रॉसरी ट्रेडिंग स्टोर, तो क्या आप इस पे बिलीव करोगे? जी हाँ, आप में से काफी सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, बट सैमसंग वॉज फाउंडेड एज ए ग्रॉसरी ट्रेडिंग स्टोर। इसके साथ ही सैमसंग केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, डिफेंस में, रियल स्टेट में बहुत सारे बिजनेस है सैमसंग के। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि एप्पल इज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जिसकी टोटल वैल्यू $2 trillion को क्रॉस कर गई है। शायद ये बात आपको पता होगी कि एप्पल इज ए कंज्यूमर ब्रांड, जबकि सैमसंग जो है वो इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट है। एप्पल की कंपैरिजन में सैमसंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि उसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा भी बहुत सारे अलग बिजनेसेस हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो सैमसंग वर्ल्ड की 12th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। इसकी जो टोटल वैल्यू है वो है $501.47 billion। वहीं एप्पल की जो टोटल वैल्यू है वो $2 trillion से भी ज़्यादा है। क्वेश्चन ये आता है कि सैमसंग जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, अलग अलग फील्ड में वर्ल्ड लीडर है वो, फिर उसकी टोटल वैल्यू एप्पल के कंपैरिजन में 1/4 क्यों है? इस टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, अगर बात करें सैमसंग की, तो आपको पता होगा कि सैमसंग स्मार्टफोन मार्केट में वर्ल्ड वाइड 2nd नंबर होल्ड करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अलावा सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। सैमसंग के DRAM, इमेज सेंसर बेस्ड डिस्प्ले और LPDDR5 रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं मार्केट में। शायद आप ये बात सुनकर थोड़े सरप्राइज होंगे कि सैमसंग के जो डिस्प्ले हैं वो एप्पल भी यूज करता है अपने स्मार्टफोन में। केवल एप्पल ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सैमसंग के डिस्प्ले को यूज़ करती हैं अपने स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग में। इन सब के अलावा सैमसंग डिफेंस में जो मशीनरीज यूज होती हैं उसका भी प्रोडक्शन करता है। और शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में भी सैमसंग का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। वहीं अगर ऑन द अदर हैंड एप्पल की बात करें, तो एप्पल लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ ही मार्केट में आता है। एप्पल के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो स्मार्टफोन और उससे रिलेटेड एसेसरीज हैं। तो फिर मेन क्वेश्चन वही आता है कि एप्पल लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ भी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी कैसे है कंपेयर टू सैमसंग, जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी अलग अलग फील्ड में सैमसंग काम करता है। देखो, इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि इन कंपनीज की जो वैल्यू होती है वो इनके शेयर्स के प्राइस पर डिपेंड करती है। बेसिकली जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो इस चीज़ पर डिफाइन करती है कि उनके शेयर्स के लिए कोई व्यक्ति कितना पे करने के लिए तैयार है। अब इसको सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझो कि दो कंपनीज हैं ए एंड बी, दोनों के शेयर्स के प्राइस $10 हैं। अब अगर लोगों को ये लगता है कि ए की जो इनोवेशन टेक्निक है वो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और अगर ए में इन्वेस्ट अभी करते हैं तो इन फ्यूचर उन्हें ए से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो बहुत सारे लोग ए के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। बस कुछ ऐसा ही फंडा सैमसंग एंड एप्पल का भी है। लोगों को एप्पल के इनोवेशन में ज़्यादा बिलीव है, लोग एप्पल के शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बिलीव है कि अगर वो आज एप्पल के शेयर खरीदते हैं तो इन फ्यूचर उन्हें एप्पल के शेयर से फ़ायदा होगा। लोगों की बिलीव का एक रीज़न ये भी है कि आपने देखा होगा एप्पल हर साल अपने स्मार्टफोन्स में नई टेक्नोलॉजी लेके आता है, जो कि बाद में अलग कंपनीज यूज़ करती हैं अपने स्मार्टफोन्स में। साथ ही एप्पल स्मार्टफोन सेगमेंट में एक वर्ल्ड लीडर है। अगर आप केवल US में बात करते हो तो मोर देन 50% मार्केट एप्पल ने अपने पास रखा है स्मार्टफोन का। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी सारे लोगों का एप्पल में बिलीव ज़्यादा है, और यही रीज़न है कि एप्पल की वैल्यू सैमसंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर आप केवल ब्रांड वैल्यू हटा के प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को देखते हो तो वहां पे सैमसंग एप्पल से काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि सैमसंग के, जैसे मैंने बताया, कई सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग फील्ड में आते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।